इतना बड़ा मरूफ ड्रामा राइटर शायर निगार तुकीरी रजीब रूम की याद में तुकीर फन अवार्ड के अजरा से मौका पर मेजबान है हमारा भट्टी। आप देख रहे हैं गोल्ड न्यूज, इस वक्त हम लोग मौजूद है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हाल में और हमारे साथ मौजूद है सीनियर एडवोकेट मोहम्मद इसराइल साहब। उनसे जानेंगे कि आज जो प्रोग्राम हुआ है इसमें बहुत सारे ऐसे फनकार थे जिन्होंने अपना अपना जो है फन का मुजाहरा किया है। आज उनसे जानेंगे ये जो प्रोग्राम किया गया किसके हवाले से किया गया और क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं। तौकीर फन अवार्ड है ये अजरा किया गया है। तौकीर रिजवी मरहूम साहब जो कि ड्रामा राइटर और डायरेक्टर थे वो उनकी चंद माह पहले वफात हुई है। तो हमने तंजीम बकाए सकाफत ने मैं बतौर सदर तंजीम बकाए सकाफत हमने ये फैसला किया सारी हमारी बॉडी ने हमारी तंजीम ने कि हम रिजवी साहब के एजाज़ में एक फेस्टिवल का इनाकाद करेंगे और वो फेस्टिवल में क्या होगा उस फेस्टिवल में हमने महफिल मुशायरा रखा है। बड़े शायर उनको अवार्ड दिए गए हैं, नसर निगारों को अवार्ड दिए गए हैं, महफिल मौसीकी थी, बड़े फनकार आए, फरीहा नवाज साहिबा हैं, लकी अली चांद है, फैजुल्ला जान है और दीगर फनकार जो हैं जो जी कवाली भी थी, महफिल समा भी थी, महफिल मौसीकी का ही असल में वो महफिल समा हिस्सा थी और इसमें आल वाक ऑफ लाइफ से लोगों ने इसके अंदर शरीक हुए और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पास तो 500 लोगों को बिठाने की जगह थी लेकिन लोग बहुत आए, सकाफत के नाम पर आए, उनका बहुत शुक्रिया। इसके अंदर फिर तौकीर फन अवार्ड्स थे जो हमने इल्मी और अदबी खिदमात की वजह फ़नी और सकाफती खिदमात की वजह मुख्तलिफ लोगों को जो है ना इसके अंदर हमने दिए हैं। आज का प्रोग्राम जो मैनेज किया हुआ था ये बहुत आला तरीके से और अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ था। इसमें सूफीज़म भी था और सोशलिज़म भी था, लोगों के मसायल भी थे, उनका सालब भी था। ख़ासकर ये जो बकाया सकाफत के ज़रिए ऐसे प्रोग्राम होते हैं, ऐसे प्रोग्रामों को प्रमोट करते रहना चाहिए जिससे हमारी आने वाली नस्ल सीखे, अपनी सकाफत को देखे, अपने आबा के नक्शे कदम पर चले और उसे उनकी नस्ल में ये चीज़ें प्रमोट होती रहें और वो अपने मुस्लिम होने का सबूत देते रहें। आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में आपको एक्चुअली नहीं पता, ये जो राइटर डायरेक्टर हैं ये हमारे मेरे तो पापा थे और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी दुनिया है लेकिन वो नहीं है और मेरी आंखें उनको ही ढूंढ रही हैं कि वो नज़र नहीं है। पिछले 2 साल से उनकी डेथ हो गई हुई है और उनके नाम पे ये जो हमने ड्रामा किया है ये उन्होंने तहरीर किया था और उनका मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है। आज उम्मे चौधरी जो कुछ भी है उनके कदमों की वजह से, उनकी दुआओं की वजह से। वालदैन के तो सबसे जो दुआएं होती है वालदैन की वजह से औलाद होती कामयाब होती है, लेकिन आज जो गुजरा वाले ने ये साबित कर दिया बच्चों ने, बड़ों ने और जो गवर्नमेंट सर्वेंट है सिविलियन है, आज उन्हें उम्मा चौधरी को बहुत ज़्यादा खराज तहसीन पेश किया और वालदैन के लिए दुआ को है। आप इसके बारे में अपनी गुजरा वाले आवाम के लिए क्या कहेंगे? मैं गुजरा वाला की आवाम के लिए कहूँगी कि गुजरा वाला का बहुत बड़ा सरमाया तो कि रिजी साहब जो कि हमारे बीच नहीं है उनके बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बैंड खलोन कोल होवें ते हसन सारे टूर जावें ते रोन। हमारे साथ मौजूद हैं लकी अली चांद साहब जो कि बहुत ही मशहूर कवाल हैं, उनसे बात करते हैं कि आज यहाँ पे आप जो है फन का मुजाहरा। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह की इवेंट जो है वो आजकल के हालात में होने चाहिए क्योंकि जिस तरह इंसान आजकल परेशानी में घिरा हुआ है और मेरे ख्याल से इवेंट से इंटरटेनमेंट उन्होंने अच्छी एक जो उन्होंने फेस्टिवल किया है बड़ा अच्छा और बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। इसराइल साहब ने जो किया बहुत अच्छा फील हो रहा है हमें, जहाँ पे फनकारों को लाकर बच्चों को इंटरटेनमेंट करवाई, बड़ों को इंटरटेनमेंट करवाई और बहुत बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ किस तरह के इवेंट्स वगैरह होने चाहिए, फेस्टिवल होने चाहिए। तौकीर रिजवी साहब एक अजीम शख्सियत थे, वो इस वक्त हमें मौजूद नहीं है। जो आज अवार्ड शो हुआ है ना ये उनको ट्रिब्यूट पेश किया गया है और हमें उनके दिल की गहराइयों से कदर करते हैं। इतना मज़ा आया कि हमने एक खेल पेश किया ख़ास तौर पर बेटी के ऊपर, तो लोग बेटियों को ना पता नहीं क्यों जहमत समझते हैं। मैं समझता हूँ कि बेटियाँ ही असल चीज़ हैं, बाप हो माँ बाप हो, माँ बाप के जनाजे की रौनक भी बेटियाँ ही हैं। ठीक है, बेटे तो जायदाद की खतर लड़ते हैं भी हर चीज़ करते हैं लेकिन बेटियाँ ऐसी हैं कि बेटियों के मतलब मैं एक बात करना चाहता हूँ, कोई पराया तन होता है सब तो नाजुक दिल बंदे दिल का टोटा थी अपने घर भी तोड़ती फिर लगता है पराया जी।